गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू हैव कम्प्लीटेड दिस इन दिस लिटरेचर दैट इज इंग्लिश लेसन्स, योर पोर्शंस हैज बीन कम्प्लीटेड. टुडे आई विल बी टेकिंग द कंपाउंड वर्ड्स ऑफ द ग्रामर पोर्शंस. ओके, नो नीड ऑफ द टेस्ट, दिस ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड ऑल. आई विल एक्सप्लेन इट हियर ओनली. व्हाट आर द कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इट्स अ जॉइनिंग ऑफ टू वर्ड्स. ओके, सी हियर, यू कैन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स का मतलब है कि जॉइन करते हुए, दो वर्ड्स को जॉइन करते हुए बना हुआ एक शब्द. ओके, इन सच केसेस यू कैन नीड टू पुट एन हाइफन, हाइफन एक छोटा सा ऐसा हाइफन डाल के भी आप कंपाउंड वर्ड्स बना सकते हैं बिटवीन द वर्ड्स. अदरवाइज यू कैन जॉइन ऑल्सो, समटाइम्स द टू वर्ड्स आर सेपरेट. लुक अप द, ओके, सी हियर, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन इट्स अ वर्ड. लाइफ एक वर्ड है, लाइन एक वर्ड है, तो इन दोनों को शब्द को जोड़ के बनाया हुआ एक शब्द है, दैट इज द कंपाउंड वर्ड लाइफ लाइन. लाइफ गिविंग इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड वर्ड, बट इट इज जॉइंट विद यूजिंग द हाइफन. लाइफ बेल्ट इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड वर्ड्स विथआउट हाइफन. ओके, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिया गया है. टैक्स प्लस पेयर, टैक्स पेयर. Sun plus rice, sunrise. Compound words are those words which has two words in them. Joining two words is formed, then one word is formed, that is called compound words. Okay, joining of the two words. You can use hyphen, जो छोटा सा small सा dash है, that is hyphen. Otherwise, you can do it this way also. Sleep walking. Sleep is a one word and walking is another word. In both combining this word, we get sleep walking. Chewing plus gum, chewing gum. Search plus light. These all words are called as the compound words and compound nouns. यहाँ पे tax or payer, they both are noun, they are taxpayer. Then sun is noun, rise that is a verb, means action. तो सनराइज, यस, स्लीप इज अ नाउन, ing is added फॉर द verb. वॉक मतलब verb, actioning word is acting word, तो वी कैन, इट इज यूज ing इज यूज इन दैट, स्लीप वॉकिंग. ओके, दिस आर सम ऑफ द कंपाउंड वर्ड्स. यू हैव टू मेक सम, आई विल गिव सम वर्ड्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर ए कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम दैट गिवन वर्ड्स. ओके, here are some of the example. You can see tea plus tea set, life boat, sleep walking, oil well. ये सब क्या है? compound words है. दो शब्दों को join करके बना हुआ एक शब्द को हम लोग compound words बोलते हैं. There are many more. This is the compound plus noun है. compound और noun को use ये किया हुआ noun, compound nouns. Okay, now compound adjective, one more thing is there. Here are some ways of forming compound adjective. Noun plus verb and with the ing. See, breathe, ye hai noun form. Taking ek kriya hai, that's, and that is with also ing. Breathe, taking, then it becomes a breath taking. And made, and is a noun and plus made, that is the verb. And made, ever, it's a adverb plus green, evergreen, then it's a evergreen. These are some of the compound adjectives. Okay, so we will prepare such types of words. And one more thing I had to explain you, see here is also some of the examples. Afternoon, breakfast, quick, earthquake, eye catching. These are also some compound words. Now, one more thing I will explain you, that is prefix and suffix. Okay, what is prefix? Opposite words है जिसके सामने letters डाले जाते हैं. Okay, antonyms are the words that are opposite in meaning of the each other. Antonyms भी बोलते हैं हम लोग उसको, या opposite बोलते हैं. Normally हम लोग opposite बोलते हैं, but as you go higher standard, we instead of using the opposite words, we use it as antonyms. Okay, antonym means opposite.
ऑपोजिट वर्ड प्लेन ऑपोजिट भी हो सकता है, गुड, जैसे गुड का ऑपोजिट हुआ बैड, ऐसे क्लेवर, क्लेवर का फूल या फुलिश, वॉट एवर इट इज, तो ऑपोजिट हो सकता है, तो वो क्या सिंपल वर्ड्स हो गए। लेकिन कुछ ऐसे ऑपोजिट भी बनते हैं जिनके वर्ड के सामने हम लोग आई एन जी, आई एन, आई एम, यू एन ऐसे डालेंगे, तो वो शब्द के आगे अगर डालते हैं दैट, जो आगे जो लेटर्स हम लोग डालते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। सी हो भैया, अभी ये फॉर्मल, ये एक शब्द है फॉर्मल, फॉर्मल आप लोग ने सुना होगा, फॉर्मल वेयर, फॉर्मल लेटर एंड ऑल, अगर उसके सामने हम लोग आई एन डालते और वो क्या बन जाता है, इनफॉर्मल। ओके, नाउ फॉर्मल का ऑपोजिट बन गया इनफॉर्मल। सिर्फ आई एन ऐड करने से, आई एन को बीच में सामने लाने से ये फॉर्मल का ऑपोजिट तैयार होता है। अभी कंप्लीट, ओके, कंप्लीट के सामने हम लोग अगर आई एन डालते हैं देन इट बिकम्स इनकम्प्लीट, मतलब कंप्लीट का ऑपोजिट क्या हुआ, इनकम्प्लीट। ओके, दिस आर द ऑपोजिट्स using the prefix, these words are called as prefix, I N, U N, D I S, I M, I L, I R और M I S, ये सब कुछ letters दिए गए, अगर ये शब्दों के सामने अगर डालते हैं तो it becomes a antonyms of the given word, okay? Now pleasant, pleasant का अगर opposite बोलेंगे और हम लोग बोलेंगे आपको prefix add करते हुए बनाइए, ऑपोजिट हम लोगों को प्रीफिक्स है तो यू हैव टू यूज अनप्लेजेंट, प्लेजेंट के सामने हन डाल के हम लोग अनप्लेजेंट बने। टाइडी, टाइडी का ऑपोजिट आप बनाइए यूजिंग द प्रीफिक्स, देन यू शुड राइट अनटाइडी। ओके, सी ओ भैया, एग्री, एग्री का ऑपोजिट चाहिए प्रीफिक्स डालिए, देन यू हैव टू राइट डिस एग्री, डिस यूज, ओके, दैट बिकम्स द एंटोनियम्स। परफेक्ट, परफेक्ट का ये अभी ये हम लोग प्रीफिक्स डाल के कौन सा बनेंगे, आई एम डालना है। इम्परफेक्ट, मॉर्टल, इमॉर्टल, ओके, दिस आर द प्रीफिक्सेस। लिटरेट, पढ़ा लिखा, लिटरेट मतलब पढ़ा, इलिटरेट मीन्स अनपढ़, ओके, लीगल, लेजिबल, ओके, तो इलेजिबल। रेगुलर, irregular, reversible, irreversible, trust, mistrust and misuse, these are the prefixes. If it is said, if the word is given to you and it is said to make a antonym, give the opposite of the words using the prefix, then you have to use in this way, okay? Illegible, illiterate, imperfect, immortal, disagree, disuse, informal, incomplete, unpleasant, these are all the, see it properly. If you are getting some words in such a way, you have to solve it by yourself. Okay. Normally aise words hote hain, opposite, agar we say that write the opposite, bold, tamed, smooth, rough, difficult, easy. Aise normally hum log karte hain, yahan pe kya hai, prefix add karna. Kuch aise words bhi hai jisme suffix add karna. Suffix aise words hote hain jo shabd ke baad juda jata hai. ओके, अभी केयरफुल एक वर्ड दिया गया होगा आपको, सफिक्स ऐड करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, केयरलेस, केयरफुल, केयरलेस, तो लेस ये क्या लगा, उसका सफिक्स है। ऐसे क्या, हेल्पफुल, हेल्पलेस, दिस वे, ओके, दैट विल कम टू नो इन द लेटर चैप्टर, दिस लेक्चर, बाकी उसके बारे में हम लोग आपको बाद में जानकारी दें। अभी आई होप यू अंडरस्टूड द एंटोनियम्स यूजिंग द प्रीफिक्सेस, दिस आर सम ऑफ द लेटर्स यूज इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म अ एंटोनियम्स, एंड ऑन आई थॉट इज द कंपाउंड वर्ड्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट, ट्राई टू रिकवर व्हाट एवर आई एक्सप्लेन्ड यू एंड अप्लाई दैट थिंग इन योर असाइनमेंट। थैंक यू।